एवरीवन, सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही है। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, सो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से क्या है। ठीक, सो आप सब अपने पर्सन को याद कीजिए और देखिए आपके पर्सन का क्या है यहाँ पे सीन। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मेरे पास थ्री ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड है ना, इसके अनुसार से मुझे नजर आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी सारी चीजें जो है ना सही चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि इनका रिलेशनशिप है, ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा एक जो होता है ना कि हाँ, इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है या बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, लेकिन ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना पूरी तरीके से इस पर्सन के ऊपर अपना कब्जा बनाए हुए हैं और ये पर्सन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ काम करते हैं या फिर इनसे जो है फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं या थर्ड पार्टी इनसे फाइनेंशियली हेल्प लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो इनका रिलेशन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई ख़राब दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि थर्ड पार्टी जो है अपना हुकूमत जो है ना इस पर्सन के ऊपर चलाना चाहती है, ये पर्सन के ऊपर इस तरीके से हुकूमत चलाना चाहती है कि मेरी सारी ख्वाहिशें आप पूरी करो। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना उन सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है न्यू बिगनिंग हो रही है इन लोगों के बीच में, हो सकता है कहीं जाने का भी प्लान कर रहे हो ये लोग। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ सोच करके, यहाँ पे इस पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन काफी सीरियस हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ सीरियस हो करके यहाँ पे ये पर्सन जो है एक्शन लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी के लिए ही, आपके लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है शादी वगैरह का अभी जो है ना इनका कुछ सीन बन रहा है। ठीक, अगर ये पर्सन शादीशुदा है ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, यानी कि इनकी वाइफ है, तो ठीक है, ये पर्सन जो है ना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अब इस रिलेशनशिप को। ठीक, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एकदम से क्लियरली बता रहा है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता जो है बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पे जो है ना इन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का जो है आप दोनों के बीच में कोई आ गया है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई आ गया, यानी कि आप आ गए, तो आप थर्ड पार्टी हैं और आपकी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सन जो है ना अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो है ना आपके पार्टनर के बीच में ये सारी सिचुएशंस चल रही हैं। सो ये है आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।